चलो बाबू ठीक है, देखो शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे ठीक है ना, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू आपको? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कौन सा? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने का चार तरीका बाबू, ठीक है ना, डेली 2 मिनट यही करते, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और तीसरा मेरा क्या होता है, इंटीग्रेशन, मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, ठीक है। तो अभी मेरा क्या चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बाबू कल आपको क्या बताया था, टैन एक्स का इंटीग्रेशन, टैन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे ये बताए थे, ठीक है सर। कॉट एक्स का कैसे निकालेंगे ये बताए थे बाबू, कोसेक एक्स का बताए थे और सेक एक्स का बताए थे, कोसेक एक्स और सेक एक्स का बताए थे, ठीक है ना। ये सब का क्या बताया था, कल इंटीग्रेशन निकाले लो बता दिए थे ना सबका, ठीक है सर, ठीक है सर। आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है बाबू, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। कौन सा सर? जैसे तुमको इस टाइप का दे देगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 k² - x², ठीक है, इंटू dx दे देगा। मतलब क्या सर, नीचे में अगर a² - x² या a² + x² या रूट में, या इसी को रूट में अगर डाल देगा बाबू, तो इस फंक्शन को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं ना। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका 6 गो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना, 6 गो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। वो 6 गो फॉर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे एज ए फार्मूला, ठीक है ना, और उस फार्मूला में इस वैल्यू को पुट करना, आंसर लूटना, ठीक है। तभी ये सब सिचुएशन मेरा थोड़ा लंबा खिंचा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी रहेगा बाबू सब एक एक पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, क्या देंगे लिखो, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिखो, ठीक है बाबू। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत ना है, लिखते चलना है, ठीक है। तो कौन सा स्टैंडर्ड इंटीग्रल बाबू, 6 गो फॉर्म है, 6 गो फॉर्म है इसका, है ना, 6 गो फॉर्म है, कौन कौन सा सर, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म्स, ठीक है ना बाबू, 6 गो फॉर्म है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इसका 6 गो फॉर्म है बाबू, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म बाबू, ठीक है, कौन सा है सर, कौन सा, देखो देखो शांति से देखना, ठीक है ना, यही 6 गो फॉर्म से आपका 6 फॉर्म है, 1 गो फॉर्म आपको पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। कौन सा पहला क्या होगा बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, एंड dx बटा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, एक ये होगा। तो इसमें कितना फॉर्म हो गया सर, कितना दो, कई गो इंटीग्रेशन हो गया, दो गो सर, एक बार ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेकर करो, दूसरा क्या करो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेकर करो, तो दो गो यहाँ से हो गया, ठीक है सर। दूसरा क्या हो सकता है बाबू, दूसरा क्या रह सकता है, dx बटा ये क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो दूसरा फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर इसमें भी प्लस माइनस लीजिए बाबू, इसमें भी अगर आप प्लस माइनस लोगे बाबू, इसमें भी मान लो प्लस लोगे, तो यही वाला फॉर्म आ जाएगा ना, यही वाला आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें वो हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट आपका क्या बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, dx बटा नेक्स्ट आपका क्या है, इसी का ले लो रूट में कर दो, इसी का रूट कर दो बाबू, ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये हो गया, और एक लास्ट वाला कौन सा बच गया, एक इसका, इसका रूट कर दो, तो वो तुम्हारा हो जाएगा नेक्स्ट, तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा बाबू, डी एक्स बट्टा अंडर रूट कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या, 6 गो इंटीग्रल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। इस सब को हमको क्या करना, इंटीग्रेट करना, और इसको एज ए फॉर्मूला की तरह हमको क्या करना बाबू, याद रखना, ठीक है ना, एज ए फॉर्मूला की तरह याद रखना। 6 गो कैसे है सर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दो गो यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ दो गो, तीन दो पांच, एगो छह गो, है ना। तो हम लोग पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक बार प्लस लेकर इंटीग्रेट करें, दो गो माइनस लेकर इंटीग्रेट करते, देखते हैं आज 6 गो तो पूरा नहीं हो पाएगा बाबू, कभी नहीं एक क्लास में हुआ, तो ये 2 क्लास में कोशिश करेंगे पूरा कर देने के लिए, ठीक है ना। अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे तो 1-2-3 गो बता देंगे, तक आधो गो अपने कर सकते हो, लेकिन आप लोग तो कोऑपरेट करोगे नहीं ना, अभी तक किया ना, इस बार भी करोगे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको सोल्व करेंगे बाबू, तो पहला मेरा कौन सा हो जाएगा, पहला कौन सा होगा, तो एज ए क्वेश्चन और फॉर्मूला दोनों आएगा ये बाबू, ये जो फॉर्मेट एज ए क्वेश्चन की तरह पूछ सकता है, एज ए फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है ना। फॉर्मूला की तरह पूछेगा तो 1 मार्क्स में मार देना, क्वेश्चन फॉर्मूला पूछेगा तो 1 मार्क्स में जय माता दी भी, और एज ए सोल्यूशन पूछ देगा तो 6 मार्क्स में चाहे 4 मार्क्स में आप लोग इसको सोल्व करना, जैसे अभी हम करेंगे। तो अगर आपको क्या दिया बाबू, डी एक्स बटा कितना दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, डी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो देखो अब इसमें इसको हम लोग क्या करेंगे, ये बता रहे हैं ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बाबू सोल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम क्या कौन सा मेथड है, कौन मेथड पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं ना, दूसरा कौन सा पढ़ा है, वो सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बाबू, क्या करेंगे इसमें, देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे बाबू, सब्स्टिट्यूट करेंगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, सोल्व करने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, या क्या करेंगे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करो चाहे पुट करो, है ना, ठीक है सर पुट करो, ठीक है। क्या पुट करेंगे बाबू, क्या पुट करेंगे अगर देखो क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है बाबू मेरे, क्या है ए स्क्वायर प्लस अगर एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है तो इसमें क्या पुट करेंगे, समझा रहे हैं ठीक है ना, इसमें बाबू क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर फॉर्मेट है बाबू तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे पुट कर देंगे, x बराबर a tan theta, a tan theta या क्या पुट करेंगे बाबू, क्या पुट करेंगे, a cot theta पुट करेंगे, x बराबर a tan theta पुट करो या x बराबर a cot theta पुट करो, ठीक है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जैसे यहाँ प्लस लेंगे तो उसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा, यही पुट क्यों करेंगे सर, बता रहे हैं यही क्यों पुट करेंगे, है ना, बता रहे हैं पहले इसको लिख लेते हैं ना उसके बाद बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या आया, ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, यहाँ माइनस लेंगे तो दूसरा फॉर्म क्या बनेगा बाबू, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बनेगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या पुट करना, इसमें क्या पुट करेंगे बाबू, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स बराबर क्या पुट कर दो, ए साइन थीटा पुट कर दो, है ना, बता रहे हैं क्यों करेंगे जी, पुट कर दो एक्स बराबर ए साइन थीटा, या क्या पुट करेंगे बाबू, एक्स बराबर ए कोस थीटा पुट करेंगे, ठीक है सर। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही हो गया, अब एक कौन सा बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो बच गया, तो तीन फॉर्म आएगा ना बाबू, तीन वो है ना, रूट में भी रहेगा तो यही पुट करना, इस पे रूट चढ़ा दो ना, लेकिन यही सब सब्स्टिट्यूट करना, इस पे रूट चढ़ा दो ना तो यही सब सब्स्टिट्यूट करना, है ना, ठीक है सर, ठीक है सर। तो तीसरा फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, तीसरा फॉर्म आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रहेगा तो इसमें क्या पुट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, वो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स बराबर ठीक है, यहाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस वन कर देंगे, ठीक है ना, x बराबर क्या पुट कर देंगे बाबू, a sec थीटा या x बराबर क्या पुट कर देंगे बाबू, a cosec थीटा, ठीक है। अब सर हमको डाउट ये आता है सर, क्या आता बाबू, कि हम यही a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगर रहते यही क्यों पुट करेंगे, ये वाला मतलब ये वाला x बराबर a sin थीटा, इसमें क्यों नहीं पुट कर सकते हैं, आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखो अगर यहाँ पे एक फॉर्म ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो इसको कैसे बनाओगे, सब्स्टिट्यूट करके बनाओगे तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स बराबर ए टेन थीटा या कोट थीटा सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, ठीक है। इसी में अगर बाबू प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए तो क्या पुट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करो, एक्स बराबर ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना, ठीक है। उसी में तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स बराबर ए सेक सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे या ए कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, इतना तक ठीक है। और रूट वाला है, रूट वाला तो रूट में भी यही करेंगे, इस पर अगर रूट भी चढ़ा दो तो वैलिड है, इस पर सब पे रूट चढ़ा दो तो तीन फॉर्म, इसका तीन को फॉर्म हो जाएगा, तीन फॉर्म ये हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। अब हमको डाउट ये उठता है कि हम यही क्यों सब्स्टिट्यूट करें बाबू, तो हमको सब्स्टिट्यूट इस तरह से करना, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना कि एगो फार्मूला बन जाए, एगो फार्मूला पे मेरा क्या हो, सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू आपको हम कहने का मतलब ये हुआ, ये जैसे हम लोग ये है, ये वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स बराबर इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट किए, एक्स बराबर क्या सब्स्टिट्यूट किए, ए टेन थीटा, तो जहां जहां एक्स है बाबू वहां क्या रख देंगे, एक्स जहां जहां एक्स है वहां ए टेन थीटा रखो ना जी, तो x की जगह क्या रख देंगे, a tan theta रख देंगे का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा बाबू, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर theta हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर यहां से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बताओ हमको, a स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे ना जी, हां सर लीजिए सर कोई दिक्कत नहीं, तो a स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस tan स्क्वायर theta हो जाएगा, ठीक है।
अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से सब में सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, फाइनल एक बड़ा सा ये बड़ा वाला टर्म एक क्या हो, एक छोटा टर्म में कन्वर्ट हो जाए, एक फॉर्मूला पे आ जाए, ठीक है ना। इसमें देखो पुट करो ना, एक बराबर अगर ए साइन थीटा पुट करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारा क्या होगा, अब इसमें मान लो तुम ई वाला पुट करोगे, ई वाला अगर पुट कर दो एक्स बराबर ए टेन थीटा, तो एक बार तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता बाबू, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता। तो इसीलिए हमको ई जो है एस माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें ई ही सब्स्टिट्यूट करना है, या ई वाला सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है ना। इसका ई वाला इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो फॉर्मूला पे नहीं आएगा, ये तुम्हारा ऐसे फॉर्मूला नहीं बनेगा, है ना। तो अब आशा करके आपको समझ में आ गया कि हम लोग यही क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट रहेगा तो ये सब्स्टिट्यूट करना, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना, और ये रहेगा तो ये सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है सर। ये हो गया, अब इसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं डेरिवेशन करते हैं ना, ठीक है सर, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखो पहले, इसकी इच्छा होगा, इसको इच्छा होगा तो लिखिएगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं लिखिएगा, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ई कंपलसरी है, ठीक है ना। ये आपके बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है, लिखिए जल्दी से। देखिए बाबू, क्या ऋतिक बाबू, किसी को दिक्कत रहेगा तो लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग ऐसे सब्जी बेचने लगते हो, जल्दी से लिखिए। ठीक है ना, इससे बढ़िया तुमको कहाँ कुछ मिलेगा जी, इतना अच्छा ऑडियो वीडियो क्वालिटी पढ़ाने का तरीका किसी भी कोचिंग के नोट से मिलाइए, ठीक है ना। अगर इतना अच्छा से सीक्वेंस ऑर्डर मिल जाएगा तो आपको फ्री में पढ़ा देंगे किसी भी कोचिंग का, हम तो एक गारंटी के साथ करते हैं, ठीक है ना। डाउट होता पूछने की आजादी, आप लोग का भी म्यूट किया है ना, देख रहे हैं, ठीक है ना, म्यूट किए हुए हैं। जब से आप लोग सुधर जाइएगा, सब्जी बेचना बंद कर दीजिए, जब से अनम्यूट करके पढ़ाएंगे, अब भी बंद हो जाएगा बाबू, जैसे आप लोग से पैसा मांगने लगेंगे तो आधा घट जाएगा, जो भी 50 है ना तुरंत घट जाएगा। जैसे कहेंगे बाबू 100 रुपया दो, तो देखो ना सब घट जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, आप जो सीरियस स्टूडेंट रहेगा वो टिकेगा, बाकी सब चल जाएगा, तो उस केस में आप फायदा होगा आपको, है ना, क्या अनम्यूट करके पढ़िए आराम से, लिखिए जल्दी। जिसको नहीं लिखा हुआ होगा स्क्रीन शॉट लेके हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। इसको लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो इसको हमको इतना में मेरा काम थोड़ा सा हो जाएगा, है ना। जिसको जिसको दिक्कत है बाबू, ठीक है ना, वो अपना डाउट रखिएगा। चलिए अच्छी बात है, लिख लिया तो ठीक है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। कितना बज गया, 6:30 हो गया। देखो पहले हमको एक भींगा कपड़ा से मिटाना पड़ता है, ठीक है ना, उसके बाद डस्टर से मिटाना पड़ता है, तब जाकर बोर्ड क्लियर दिखाई देता है, चका चक, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, तो इसमें एक बार प्लस लेकर सोल्व करेंगे, दूसरे बार माइनस, तो इस तरह से 6 को तुम्हारा फॉर्म होगा। तो पहला जो फॉर्मेट है बाबू, पहला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, पहला ये फॉर्मेट है ना, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, सोल्यूशन करना, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला तैयार करना, ठीक है। तो पहला ये हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे बाबू, सोल्यूशन कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, एकदम आंख मुन्ना डिबिया गायब, ठीक है ना, dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, स्क्वायर, ठीक है। अब तो आपको क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाबू, तो उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स बराबर ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए टेन थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको क्या सब्स्टिट्यूट करो बाबू, पुट क्या करेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर देंगे, ठीक है सर, कीजिए सर,
ठीक है। अब जब तक टूट करते बाबू, तो कल ही से आपको तीन चार क्लास, चार के पास क्लास हुआ ना सब टीचर्सन का, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करोगे ना, डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। यहाँ थीटा है, अब यहाँ शांति से देखना, ऑल बॉल पिस्तौल मत होना। जैसे कल हम लोग बाई बराबर, जैसे मान लो कल हम लोग प्रीवियस क्लास में पुट किए हैं बाई बराबर, साइन एक्स कहीं पुट किए हैं या बाई बराबर कहीं कॉस एक्स पुट किए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते थे क्या लिखते थे, डी बाई डी एक्स लिखते थे, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स लिखते थे ना। मतलब क्या था, यहाँ एक्स था तो यहाँ वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे ना। हाँ सर, तो यहाँ थीटा है तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, वो थीटा के रिस्पेक्ट में, डी थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, और यहाँ एक्स था तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, तो यहाँ थीटा है ना तो थीटा को डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है सर। तो डी एक्स का कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, ठीक है सर। ये तो कॉन्स्टेंट है बाबू, और टाइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, जैसे टाइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स होता है ना जी, तो टाइन थीटा का कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा है तो थीटा ले लेंगे। एक्स लेते बाबू तो आप कंफ्यूज आ जाते, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है, एक्स बराबर एक साइन एक्स ले लेते कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए हम थीटा लिए, ठीक है सर। अब इसे यहाँ पे क्या करते थे, डी एक्स को इधर भेज देते थे, थीटा को इधर भेजा, तो थीटा इधर जाएगा बाबू, थीटा होता है, ठीक है ना, थीटा नहीं होता, ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, ठीक है सर। तो डी एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करो, इक्वेशन वन में पुट करो ना, इक्वेशन वन में सबकी वैल्यू पुट करो और आंसर लूटो। क्या कह रहे हैं सर, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना है ना, इसको अगर इक्वेशन वन मान लेते बाबू, इसको इक्वेशन वन मान लेते हो, तो dx की वैल्यू कितना, a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x की वैल्यू एक टाइन स्क्वायर थीटा है ना, तो पुट करो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाबू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर कितना सर, यहाँ से a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा नहीं है, तो a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, किसी को दिक्कत है तो कैसे पूछोगे बताओ, ठीक है, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे दिक्कत नहीं होगा, वो आपको एकदम बच्चा की तरह पढ़ा रहा है ना, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर दे दो, ठीक है, प्लस एक्स बराबर क्या पुट किया, ए टेन थीटा, तो ए टेन थीटा दे दो बाबू, है ना, एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट किया ना, तो ए टेन थीटा दे दो का होल स्क्वायर दे दो, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर लूटेंगे, तो इधर हम लोग मिटाते हैं, इधर मिटाते हैं, आप लोग लिखे होंगे तो अच्छी बात है, आज कपड़ा थोड़ा तू ज्यादा ही भींग गया, आज बोर्ड गीला हो जाता है ना, थोड़ा इसको प्रोसीड करो ना, अब इसमें तुम्हारा क्या रहता है, इसे तो खुद कर सकते हो, यहाँ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू, देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा ना, हाँ सर, अब ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे बाबू, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा बताओ, ए जो है ऊपर वही लिख दो, ए सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा बट्टा, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन ले लो बाबू, ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना बच जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, किसी को दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, और वन प्लस देखो हमने क्या बताया, हमने यही क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो क्या बाबू, ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, नहीं जानते तो सीखो, ए स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डी थीटा छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना बाबू, डी थीटा छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना, तो देखो हम लोग इसी तरह से अगर इसमें बाबू, इसमें x बराबर a tan थीटा की जगह sin थीटा या cos थीटा पुट करते, cos थीटा पुट, sin थीटा पुट करते या sec थीटा पुट करते, तो e ऐसे e छोटा सा इतना बड़ा होके e छोटा सा नहीं लाता, अब e छोटा सा नहीं आता तो फिर यहाँ से नहीं कटता, तो फिर आप लोग ऑल बॉल पिस्तौल होते रहते, इसीलिए e फॉर्मेट है तो इसमें हम यही पुट करेंगे, ये है तो इसमें x बराबर a sin थीटा पुट करेंगे, और x मींस a स्क्वायर, तो इसमें sec थीटा पुट करेंगे, ताकि वो तुम्हारा क्या फॉर्मूला पे बैठ जाए, तुम्हारा सिंप्लीफाई आसानी से हो जाए, ठीक है सर, तो ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल नहीं हो जाएगा, ठीक है सर, ये कैंसिल हो गया बाबू, और a इधर है और इधर a स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या बचेगा बताओ, वन बटा a बचा ना, ठीक है सर, तो कितना बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ बाबू क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा a बच गया, तो वन बटा a कॉन्स्टेंट बाहर ले सकते हैं इंटू डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर,
यही है ना जी, ए वन बटा ए और डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन, यहाँ कुछ नहीं तो सबका मान लीजिए एक, तो एक का इंटीग्रेशन डी एक्स रहता तो एक्स होता थीटा, तो यहाँ थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस एक्स ही आ जाएगा। तो आंसर तुम थीटा में छोड़ दोगे ना बाबू, तुम्हारा क्वेश्चन किस में था, एक्स में था, देखो ना एक्स वैल्यू में, तो इसको एक्स मिला, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है बताओ, ठीक है, देखो बाबू यहाँ थीटा है ना, यहाँ थीटा है ना, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, एक्स वेरिएबल था, तो एक्स वेरिएबल था, इसको थीटा को किस में कन्वर्ट करो, एक्स वेरिएबल में, तो यहाँ से आप थीटा आप निकालो, तो यहाँ से थीटा कैसे निकालोगे, एक्स बटा ए टेन इनवर्स आ जाएगा ना, है ना, चूंकि यहाँ से कर देते बाबू, कुछ होना छोड़ेंगे ठीक है ना, चूंकि एक्स बराबर कितना ए टेन थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, देख लेते, दिख रहा है उधर, हाँ जी दिख रहा, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू पुट करो आंसर, लूटो नीचे वाला मिटा देते हैं बाबू, तो थीटा की वैल्यू पुट करो आंसर, लूटो, है ना, तो कितना हो जाएगा बता, वन बटा ए है ना, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, अब प्लस कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फार्मूला तैयार हो गया, रेडीमेड फार्मूला बन के तैयार, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बक्सा में बंद कर लेंगे, ठीक है ना, क्यों सर, क्योंकि ये डायरेक्ट तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 20 मार्क्स में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक ना बाबू, तो याद रहेगा तभी ना जय माता दी भी करोगे, नहीं याद रहेगा तो कैसे करोगे, इसलिए इसको बक्सा में बंद करेंगे, और जब 4 मार्क्स में पूछेगा तो डिराइव करना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है बाबू, तो इसका क्या फार्मूला बन गया मेरा, वन बटा ए टाइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी, है ना, अब इसको बक्सा में क्या करो बाबू, बंद कर लो, मेरा बक्सा टेढ़ा हो गया, तुम लोग अपना सीधा बक्सा बनाना, चलो लिखो आप लोग, अब जल्दी लिखो, अभी हमको और करवाना है, अब यहाँ पे क्या लेंगे, दूसरा फॉर्म लेंगे, माइनस कर लेंगे, उसको भी करवाना है, प्लस कर लेंगे, उसको भी करवाना है, सब करवाना है, आप लोग तो कुछ करते नहीं हो, यहाँ के बाद यहाँ जाना है, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखे बाबू, जिसको लिखने में स्लो है वो स्क्रीनशॉट लो अपना, फिर घर पे बैठ के लिखो, जो स्पीड स्लो है बाबू जिसका लिखने में, स्क्रीनशॉट लो घर पे बैठ के लिखो, चलो हम लोग सेकंड फॉर्म करेंगे, सेकंड नंबर कौन सा आएगा बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, चलो ठीक है बाबू, है ना, अब देखो क्या dx बटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ना, तो अभी तुमको बताएं कि इसमें क्या पुट कर, इस तरह से पुट करो, आप तुम लोग को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हो रहा होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ x बराबर a sin थीटा पुट कर देंगे बाबू, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा ना, तो x बराबर इसमें क्या पुट करें बाबू, a sin थीटा, और नहीं विश्वास होता तो दूसरा पुट करो, a tan थीटा या sec थीटा पुट करो, देखो फार्मूला पे नहीं बैठेगा, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या पुट करेंगे बाबू, मजबूरी है ठीक है ना, कि x बराबर a sin थीटा पुट करेंगे, है ना, तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, बस खाली तुम सब्स्टिट्यूट करो, उसके बाद सोल्यूशन आसान है ना, ठीक है, तो क्या बाबू, डी एक्स बट्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या पुट करेंगे बाबू, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x बराबर
ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ये थीटा थीटा, ठीक है? अब x बराबर ए साइन थीटा तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना जी, तब ना मेरा dx निकलेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो, dx y किसके किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, अभी बताया ना, अभी बताया ना, y बराबर अगर मान लो 3x है तो इसको इधर जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते dy dx करते 3 आता है ना, तो इसी यहां थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है सर? तो dx y d थीटा हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं? इस d थीटा को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, dx बराबर कितना हो जाएगा बाबू, एक cos थीटा हो जाएगा इंटू d थीटा हो जाएगा, है ना? ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करो, सबको वैल्यू यहाँ इसको इसको इक्वेशन वन मान लो, और सबकी वैल्यू इसमें पुट करो, dx की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो, कुछ थोड़ी ही करना है। तो पुट करो बाबू, dx बराबर कितना पुट कर दोगे, एक cos थीटा इंटू d थीटा बटा ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहने दो, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या पुट करोगे, क्या पुट करोगे बाबू, ए साइन थीटा पुट ना करोगे बताओ, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। इस डी थीटा को थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते डायरेक्ट लिख दें, ए स्क्वायर कॉमन ले तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना? तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो बाबू, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है सर, कॉस थीटा बच गया, तो ए स्क्वायर कॉस थीटा हो गया इंटू डी थीटा हो गया। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा होगा बाबू, ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है ना। अब तुम हम क्या करोगे, क्या करोगे बताओ हमको, यहाँ से a से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा से यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या तुम्हारा बच जाएगा, वन बटा a sec थीटा बच जाएगा बाबू मेरे, वन बटा a sec थीटा बच जाएगा, है ना? कैसे बचेगा सर, देखो कैसे बचेगा, ठीक है, देखो बाबू क्या यहाँ पे बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यही बचेगा ना जी, है ना? ऊपर रेगुलर कट, ठीक है, वन बटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा नहीं हो जाएगा, तो वन बटा ए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो कैसे पूछोगे, समझो अपना। अब कल आपको इंटीग्रेशन बताएं, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, कोट एक्स का इंटीग्रेशन, सेक कल ही बताएं, ताजा 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 कल बाबू सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताएं, ठीक है ना? अगर याद है तो ठीक है, सेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बताएं, क्या होता है, क्या होता है, लॉग होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, ठीक है ना, एक प्लस सी होता है, ठीक है ना? कल बताएं, कल ही ना बताएं, ताजा ताजा भी, अब नहीं याद करके होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ थीटा बाबू, तो लॉग की जगह एक्स की जगह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, वन बटा ए सेक थीटा का क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस ऑफ सेक थीटा हो जाएगा और प्लस टेन थीटा हो जाएगा, है ना? ठीक है सर, और प्लस एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसको ना लिख लेना, है ना, मिटा देते, नहीं तो आप लोग तो खतरनाक हो ही। अब यह आंसर आप कहोगे ना मेरे बाबू, मेरा क्वेश्चन वहां कहाँ एक्स में है, तो एक्स में तुमको लाना पड़ेगा, तो यहाँ सेक थीटा को तुमको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स में तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, टेन थीटा को तुमको एक्स में लाना पड़ेगा, एक्स में लाना पड़ेगा, तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा आप सोचना, ये तुम्हारा बहुत आसान तरीका बाबू, ठीक है ना, और ये तुमको बहुत यूज पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ सेक थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है ना? तो क्या तुम्हें, हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया बताओ, हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, एक्स बराबर ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, यही सब्स्टिट्यूट किया ना, ठीक है सर। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे बता, एक्स बाई ए नहीं हो जाएगा बाबू, यहाँ से हमको सही यहाँ ही डायरेक्ट छोड़ दोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा एक्स वेरिएबल में है, आंसर तुम थीटा वेरिएबल में ला अपने मन से, तो उसको थीटा को रिप्लेस करो, किस में, एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करो, तो जो सब्स्टिट्यूट करो वहीं से निकालो,
ठीक है, तो देखो ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन में तो आसान था, कुछ तो करना नहीं था, आसानी से निकल गया था, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन सिर्फ थीटा निकालना था ना, तो साइन इनवर्स एक्स वाई हो गया था, है ना। देखो बाबू यहाँ साइन थीटा बराबर एक्स वाई होता है, ठीक है सर, ये जानते हो तो अच्छी बात है। यहाँ से इसको करेंगे ना, तो ये तुम्हारा क्या होता है बाबू, ऊपर वाला परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला हाइपोटेनस होता है, ये पता है आपको। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व, तो इसको एंगल बनाओ एक, ये तुम्हारा क्या है थीटा, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बीस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है, एक से साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा मानो तो परपेंडिकुलर हो ना, हाइपोटेनस तुम्हारा ए हो गया, ठीक है। ऐसे करके निकालना, जब ये क्वेश्चन आएगा ऐसे करके निकालना, इससे इससे अच्छा मेथड तुमको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। आई सबसे आसान तरीका इसे ऐसे निकालने से मेरा साइन कोस टैन कोस एक सब सब छेवों का छेवों निकल जाएगा। तो हाइपोटेनस है बाबू और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस मेरा कितना निकल जाएगा बताओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, जिसको दिक्कत होगा बाबू रिप्ले करके देखना। अब हमको क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए ना, सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा बराबर कितना, तो हम लोग कोस थीटा की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं उसको उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा नहीं निकल जाएगा, हाँ सर। तो कोस थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोस थीटा बाबू समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, कोस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, आधार होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, तो आधार ये ना, बेस बटा क्या होता है हाइपोटेनस होता है, बेस तो तुम्हारा यही है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमको कोस थीटा चाहिए नहीं, सेक थीटा चाहिए, तो उसको उल्टा करो। तो यहाँ से सेक थीटा क्या, एकदम बच्चा की तरह बता रहा, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, ठीक है ना, लेकिन फिर आप लोग पूछते हैं। तो सेक थीटा बराबर इसको उल्टा कर दो बाबू, ए बटा कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू भी निकालो, टेन थीटा भी चाहिए तो टेन थीटा भी निकालो, तो टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू बताओ, टेन थीटा बराबर क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस बाय दिस एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको सेक थीटा पता चल गया सर, टेन थीटा पता चल गया, यहाँ पे पुट करो आंसर लूटो, यहाँ पे पुट करो आंसर लूटो, तो हमको आंसर लूटने के लिए जगह चाहिए बाबू, ठीक है ना। इसीलिए आपको क्या कहते हैं इंटीग्रेशन में, कि आप शुरू में डिकम्पोजिशन में छोटका छोटका करवाए थे, अब तुमको क्या आ रहा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, अब तुमको छोटका वाला दर्शन नहीं देगा, ठीक है ना, सब लंबा लंबा आएगा, है ना। तो हम सब तरह के करवाएंगे बाबू, आपको कहीं कोई दिक्कत ना होगा। अब हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा स्पेस चाहिए, ऐसा हम लिख ही के फंस गए बाबू, ठीक है ना, कवर भी ढक्कन भी भूल गया। अब हम इसको मिटाते तो फिर इतना में हो पाएगा, आप लोग इतना लिखो, देखते हैं स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। जब तक मैं हम ढक्कन खोलते हैं बाबू, ढक्कन कम चला गया, जल्दी लिखो, चलिए रहने दीजिए, लिखिए जल्दी, जल्दी लिखो बाबू, साइड हो गए हैं, इतना क्लियर स्पष्ट दिखता है, हमको दिखता है, आप लोग को पता नहीं दिखता है कैसा दिखता है, लेकिन क्लियर नहीं दिखता बाबू, ब्रॉडबैंड है तो क्लियर ही दिखेगा। इधर लिख ले, हम इधर मिटाते हैं, इससे बढ़िया कहीं क्लास है बाबू, आप घर में बैठ के कितना आराम से मजे से टेबल कुर्सी पे बगल में खा भी रहे होंगे, है ना, पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में जाइएगा, परेशान आने जाने में समय बर्बाद, ये बर्बाद वो बर्बाद, इतना सीक्वेंस ऑर्डर से कहीं आपको मिलेगा नहीं, नहीं विश्वास होता था, आप हमको किसी का नोट भेजिएगा। अब यहाँ क्या करें बाबू, सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करो, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो, आंसर लूटो, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको इक्वेशन क्या दे देना बाबू, दो दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ किसका बाबू, सेक थीटा एंड टेन थीटा इन इक्वेशन टू में, है ना, पुट करो आंसर लूटो, तो क्या होगा वन बटा ए
log of, ठीक है सर, ठीक है, sec थीटा बराबर क्या है, जो आया उसको पुट करो, तो a बटा अंडर रूट कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan थीटा बराबर कितना आया, x बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, मॉडुलस, है ना, आपको c आ रहा है ना, हाँ सर c सुधार भी करें, अब इसको एलसीएम लो थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, 1 बटा a log मॉडुलस ऑफ कितना एलसीएम होगा, नीचे सेम है ना, तो a प्लस x नहीं हो जाएगा, नीचे सेम ही है ना जी, जब बेस आती डिनोमिनेटर सेम रहता तो डिनोमिनेटर क्या होता है, ऐड हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन बटा ए लॉग ऑफ, इसका हम स्टैंडर्ड फार्मूला पे जाना थी, जो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला ना बाबू वो हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, क्यों सर, क्योंकि आप कोई भी किताब पढ़ोगे बाबू तो आपको इसी तरह से यही फार्मूला मिलेगा, इसका इसका यही फार्मूला मिलेगा जो अभी आपको बताने जा रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये रूट पूरा में चढ़ा देते हैं, रूट पूरा में चढ़ा देते हैं तो a प्लस एक्स बटा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट यहाँ पूरा में चढ़ा दिए बाबू, कोई दिक्कत है, तो जब रूट पूरा में चढ़ाओगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे सी तो रहेगा ही रहेगा, आपका सी रहेगा ही रहेगा, है ना, ठीक है सर, अब यहाँ स्क्वायर है, आई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इसको ऐसे ना लिख सकते होता, ऐसे लिख देते तो आपत्ति होगा कुछ, ए माइनस एक्स हो गया और इंटू ए प्लस एक्स हो गया कि नहीं, अरे बाबू रूट ऊपर में चढ़ाए तो रूट चढ़ाएंगे तो स्क्वायर होगा तब ना बाहर निकलेगा तो रूट में आएगा, ठीक है, यहाँ से आप क्या करो, ए प्लस ई ए वो है, ई प्लस एक्स कैंसिल नहीं हो जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा वो बताओ, ऊपर मेरा क्या बच जाएगा, अरे ये स्क्वायर है नीचे वो कैंसिल होगा ना, ठीक है सर, तो वन बाई टू लॉग मॉडुलस ऑफ ए प्लस एक्स है बटा क्या है बाबू, ए माइनस एक्स है, क्या आएगा रूट ओवर आएगा, क्या रूट ओवर आएगा ना मेरे बाबू, हाँ सर, तो रूट ओवर को हम एक बट्टा दो अगर लिख दे तो प्लस दिक्कत है, अरे रूट को एक बट्टा दो पावर में लिख दे तो आपको कोई आपत्ति है, नहीं सर कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, ठीक है, इधर तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो कितना लंबा जाता है, अब आपका बच्चा वाला चीज गया, ठीक है ना, इतना दिन से बहुत बच्चा वाला पढ़ा ली, अब बच्चन वाला चीज नहीं आएगा, है ना, अरे लॉग है ना, देखो लॉग है तो लॉग से पावर जो भी रहता है, लॉग से पावर जो भी रहता है वो आगे गुना में चल जाता है, आगे गुना में चल जाता है, ठीक है, तो इसको एक बटा दो को गुना में लाइए, तो एक बटा दो को अगर बाबू गुना में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, वन बटा टू ए नहीं हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स और प्लस सी, ठीक है सर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, तो ये मेरा क्या है फाइनल फार्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है ना, अब इसको हम लोग बक्सा में बंद करेंगे, फाइनल यही आपका तैयार हो गया ना, तो इसको बक्सा में बंद करते बाबू, क्यों क्यों बंद कीजिएगा सर, इसलिए बंद करेंगे ना कि डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जो जो बक्सा में बंद किए हैं बाबू उसका हम कंठस्थ याद रखना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना है, 1 बाई टू ए है, log ऑफ मॉडुलस ऑफ a प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, ठीक है सर, इसको ध्यान रखना, लिखिए इसके बाद इसको भी लिख लीजिएगा, ऐसा गलती मत कीजिए, बड़ी डर लगता आप लोग से जी, जो बोर्ड पे रहेगा सब छाप लीजिएगा, लिखो बाबू जल्दी से लिखो, लिखने में तेज रहो, ये तो इसका क्या हो गया बाबू, इसको भी लिखना, इसको मत लिखना, इसको सूर्य में ये वाला ना लिखना, इस जो फिनिश किया उसके बाद यहाँ से लिखना, जल्दी लिखो आप लोग,
जल्दी कीजिए। चलिए हो गया होगा, ऐसा करते हैं कि मैथ है ना, एबीसीडी तो लिखना रहता है। इसका हम लोग सेकेंड मेथड से दूसरे मेथड सोल्यूशन आता बाबू, तो हम सेकेंड मेथड से इसको सोल्यूशन नहीं अभी करेंगे, ठीक है ना। कब कीजिएगा सर, बता रहे हैं। ये तुम्हारा जो सोल्यूशन था, ठीक है ना, इसका जो सोल्यूशन था बाबू, वहां उसको क्या लिख दीजिएगा, फर्स्ट मेथड लिखे, जहां से स्टार्ट किया ना वहां पे उसको फर्स्ट मेथड डाल दीजिएगा, वहां से उसको फर्स्ट मेथड डाल दीजिएगा, जहां से स्टार्ट किया बाबू वहां उसको फर्स्ट मेथड डाल दीजिएगा। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लोग बाबू सेकंड मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, dx बटा क्या है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। तो इसको सेकेंड मेथड से कैसे सोल्व करेंगे बाबू, जब आपको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बताएंगे ना, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बताएंगे, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बताएंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे कि, ठीक है ना, तो जब नीचे मेरा क्वाड्रेटिक है, नीचे मेरा क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करते, ठीक है ना, कैसे सोल्व करते, ठीक है। तो इसको सेकेंड मेथड से सोल्व करने के लिए बाबू सेकेंड मेथड लिखिए, क्वेश्चन लिखिए और एक पेज छोड़ दीजिए। जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे इसके बाद सब सिचुएशन खत्म होता है पार्शियल फ्रैक्शन, तो वहां पे फिर आपको कहेंगे कि चलो आप पीछे जाओ और क्वेश्चन को स्वयं सोल्व करो, है ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सेकंड मेथड बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बाय बाबू पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जो आपका कौन सा मेथड है, तीसरा मेथड है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अभी बता दीजिए ना सर, अभी आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं बताया, तो अभी बताएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, ऑल वर्ल्ड पिस्तौल हो जाएगा, फिर हमको मेरा दिमाग चटेगा सर हमको नहीं समझ में आया। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ाएंगे तो उस समय इसको सोल्व कराएंगे। अभी यहाँ पे एगो पेज छोड़ दीजिए, पूरा एगो कंप्लीट पेज छोड़ दीजिएगा, है ना। समझ में बात आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो सीखिए, है ना। चलिए बाबू, थर्ड जो मेरा फॉर्मेट है बाबू, थर्ड जो मेरा फॉर्मेट है, थर्ड मेरा कौन सा है सर, दूसरा हो गया, तीसरा जो फॉर्मेट है बाबू, जल्दी कीजिए, आप तो लिखिए लिया होगा, अब इसमें जल्दी क्या करना है। देखो तीसरा फॉर्मेट अभी सोल्व ना करेंगे, इसमें मेरा आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। हम आपको खाली बता देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तीसरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला आ जाएगा, तीसरा तुम्हारा क्या जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला आ जाएगा। सर प्लस होगा तो, प्लस होगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला वही हो जाएगा ना, तीसरा फॉर्मेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा, यहाँ एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, ए सेक थीटा पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, ठीक है ना। अभी करेंगे बाबू तो 7:30 बज जाएगा आप लोग का, 7:30 से 7:30 ये इसका मोस का क्लास है, ठीक है ना, मैकेनिकल वालों के लिए बाबू 7:30 से मोस का क्लास है, ग्रुप में लिंक चल गया होगा, जो भी आप मैकेनिकल का ग्रुप है, गर्ल्स का ग्रुप है, ठीक है ना, मोस का हो या सॉम का हो, ठीक है ना। क्या ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो गया, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, है ना। तो इसका आपका 7:30 से क्लास है, तो अभी इसको करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। जो स्टूडेंट 5 बजे से ज्वाइन के लिए है, ठीक है ना, तो उसका मोबाइल भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है बाबू, है ना। तो इसको हम लोग कल सोल्व करेंगे बाबू, इसको कल सोल्व करेंगे, आप लोग इसको सोल्व करके देखिएगा कैसे सोल्व करके कीजिएगा, बता देते एक लाइन, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बाबू, पुट इसमें क्या करोगे, पुट कर देना एक्स बराबर ए से एक थीटा पुट कर देना, क्या पुट कर देना बाबू, एक्स बराबर ए सेक थीटा पुट कर देना, है ना। तो यहाँ से डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है ना। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, आशा करेंगे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम कल तो बताएंगे, ठीक है ना। तो आज क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं बाबू, 7:05 हो गया लगभग, है ना। फिर कल हम लोग कितना, कल कोशिश करेंगे कि चारों फॉर्म बताने के, ठीक है ना, थोड़ा स्पीड में बताएंगे तो हो जाएगा हम लोग, है ना। क्योंकि ये मेरा क्या था, स्टार्टअप था ना, तो स्टार्टअप में थोड़ा स्लो नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, कल इसको हम कोशिश करेंगे चारों बता देने का, है ना। तो यहाँ पे आज क्लास फिनिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक बार फिर बोल देते हैं, 7:30 से आपका मॉस का क्लास है, 7:30 से बाबू मैकेनिकल वाले स्टूडेंट का मॉस का या सॉम का क्लास है, ठीक है ना, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ठीक है ना। अभी अभी पीएम 7:30 PM आज फर्स्ट क्लास है, आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना बाबू, ठीक है। 7:30 से आज पहला क्लास है मॉस का, ठीक है।
ब्लैक बोर्ड, देखो बाबू पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, जोश जुनून चाहिए, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड रहे चाहे व्हाइट बोर्ड रहे उससे मायने नहीं रखता। इस सर के पास ये मैंने सोमालिया में बसे हुए, ठीक है ना, बहुत मैंने दूर इलाके में बसे हुए, तो उनके पास व्हाइट बोर्ड तो अभी मिल नहीं रहा है, गाँव देहात में तो रहता नहीं है, तो उनके पिताजी पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है ना, तो उसी पे पढ़ा रहे हैं। आपको नहीं समझ में आएगा, आपको गिर जाएंगे, फिर क्या होना, ज्ञान लेने का मतलब है ना। तो आज यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर आपको जिसको जिसको डाउट है पूछिएगा।